Hello, but let's read the question here. The composite fruit develops from hypanthodium inflorescence and occurs in Ficus carica. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जाएगा हमारा हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस जो है एक तरह का स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस है जो कि फाइकस कैरिका में पाया जाता है, और अगर उसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का पेयर शेप जो होता है, फ्लावर होता है, उसके नीचे हमारे जो सेपल्स वगैरह होंगे कुछ इस तरीके से। इफ वी डिग अ होल हियर तो हमें दिखेगा कि जो हमारा फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स आई एम डूइंग इट विथ ब्लू, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एट द बेस, कुछ इस तरीके से हमारे फीमेल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। एंड जो मेल फ्लावर्स है विद द पिंक आर एट द टॉप। इसमें जो पॉलिनेशन होती है थ्रू वास्प इज अ स्पेशल टाइप पॉलिनेशन, एंड यहाँ पे एक ओस्टियोल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एक वास्प अंदर आता है, देन दे ले देयर एग्स एंड ऑन द वे आउट दे आर पॉलिनेटिंग। तो इसी तरीके से जो है पॉलिनेशन भी होता है। एंड हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस में जो है हमारा साइकोनस फ्रूट फॉर्म होता है, साइकोनस, ना कि कंपोजिट। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा जो होगा फॉल्स। तो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।